بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरी नहायत वाजिब और एहतराम माओ और काबिल सत एहतराम बहनों और बेटियों, आज आप तमाम ख्वातीन की मौजूदगी में गवर्नमेंट हाई स्कूल नक्कर पलंदरी ज़िला सदनौती आज़ाद कश्मीर में ये होने वाली मेरी पहली गुफ्तगू है। इसलिए मैंने इस पहली गुफ्तगू में बुनियाद उस सूरत मुबारक को बनाया है जिसके बारे में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल कुरान उतारने की बजाय सिर्फ़ इस सूरत मुबारक को उम्मत की हिदायत के लिए नाजिल फरमा देते तो उसूल के एतबार से शायद ये सूरत काफ़ी होती। इस कदर अहम ये सूरत मुबारक है जिसके अल्फाज बहुत कम हैं और इसके मानी मफाहीम और मतालिब बहुत वसी हैं। खुलासे के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी बुनियादों को हमारे सामने बयान फरमा दिया है। वल असर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुसरें इल्ला लदीन आमनू, यकीनन वही इंसान कामयाब होगा जिसका अकीदा ठीक हो, वामिलुस सालिहात अमाल सुन्नत के मुताबिक करता हो, बतवासो बिल हक और सही अकीदा और मसनून अमल की दावत देता हो, बतवासो बिस सब्र अगर उस दावत में मुश्किल आ जाए तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता हो। ये चार चीज़ें हक जल्ला मजदूहू ने इरशाद फरमाई हैं और कसम उठाकर बात फरमाई है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम ना फरमाते तब भी बात यकीनन सादिक सच्ची और पक्की थी, लेकिन हक जल्ला मजदहू ने फिर भी कसम उठाई और कसम भी ज़माने की उठाई है। एक मसला ये ज़ेहन नशीन फरमा लें, अल्लाह की ज़ात के अलावा मखलूक की कसम किसी इंसान मर्द और औरत के लिए उठाना जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ आज बहुत सारी कस्में अल्लाह की ज़ात के अलावा लोग उठा देते हैं, कभी नबी की ज़ात की कसम, कभी किसी किताब की कसम, कभी मुल्क और धरती की कसम, कभी माँ और बेटी की कसम, और अल्लाह माफ़ फरमाए कभी तो नहायत गंदगी के साथ मोहब्बत और प्यार की कसम उठाते हैं। ये कसमें उठाना कतअन जायज़ नहीं है, गुनाह कबीरा है। गुनाह उठाएं तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात अल्लाह जल्ला शानहू की कसम उठाएँ, वो भी बिला वजह और बिला ज़रूरत ना उठाएँ। और बात बात पे कसम उठाना ये आदत तो मुनाफिक की है, मोमिन की नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम जो उठाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक और मालिक है,
आप ये बात कभी न ज़हन में लाना कि जब हमें अल्लाह ने कसम मखलूक की उठाने से मना फरमाया, खुद मखलूक की कसम क्यों उठाई है। उसकी वजह यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खालिक और मालिक है, अहकाम देने वाली है, अहकाम की मुकल्लफ नहीं, अहकाम के मुकल्लफ हम हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया हमसे हिसाब होगा। अल्लाह की ज़ात अहकाम की मुकल्लफ नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु हुम युसअलून, जो मखलूक काम करे उससे सवाल होगा और जो अल्लाह काम फरमाए उनसे सवाल नहीं हो सकता। अल्लाह जो चाहे उठाए, लेकिन जब अल्लाह किसी बात की कसम उठाए उस चीज़ की अहमियत का से कभी आदमी सरफ़ नज़र नहीं कर सकता। कसम ज़माने की उठाई है मादी चीज़ों में। ज़माना बहुत कीमती है, वक़्त बहुत कीमत वाला है। अगर बचपन बर्बाद किया जवानी तबाह होती है, अगर जवानी तबाह कर दे बुढ़ापा बर्बाद होता है, पर अगर दुनिया की ज़िंदगी को ज़ाया किया जाए कब्र आखरत तबाह होती है। दुनिया की ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, आखरत की ज़िंदगी बड़ी लंबी है। इस थोड़ी ज़िंदगी पर थोड़ा अमल करेंगे अल्लाह आखरत का बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएंगे। कभी आपने गौर किया है, हम दुनिया में अमल थोड़ा करते हैं, अल्लाह बदला जन्नत का बहुत बड़ा देंगे। इसकी वजह यह है, चूँकि इंसान की हैसियत महदूद है इसलिए इसका अमल भी महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान गैर महदूद है, तो अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला अजर भी गैर महदूद है। इसलिए अल्लाह महदूद अमल पे गैर महदूद अजर अता फरमाते हैं। दुनिया में महदूद वक़्त पे मेहनत करें, खुदा इंसानी इलम के मुताबिक जन्नत वाली गैर महदूद बंदे को नेमत अता फरमा देंगे। कभी वक़्त को ज़ाया मत करें और वक़्त अपना जो लगाएं वो दीन पर लगाएं, खिदमत पे लगाएं। बेटी है तो बाप की खिदमत, अगर बीवी है तो खामिद की खिदमत, अगर बहन है तो भाई की खिदमत। खिदमत करना ये अच्छा काम है, खिदमत करना एजाज़ की बात है, खिदमत करना ये औरत की जीनत है। इसलिए अपने वक्त को इल्म में लगाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत इताअत के अंदर वक्त लगाएं। थोड़ी सी ज़िंदगी अगर कीमती बनाएं, आखरत की दायमी खुशियां और नेमतें हासिल करें। आप स्कूल पढ़ें, कोई इससे मना तो नहीं करता, लेकिन पर्दे का ख्याल करें। कोई खातून डॉक्टर बने, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन पर्दे का ख्याल करें। पर्दे का ख्याल करते हुए स्कूल पढ़ना भी गुनाह नहीं, पर्दे का ख्याल करते हुए औरत के लिए डॉक्टर बनना भी गुनाह नहीं, लेकिन पर्दे का ख्याल करना नहायत ज़रूरी है। इसलिए कि पर्दा ये औरत की हया जेवर है, अपनी जेवर को कभी अलग न करें। सोने का जेवर मौजूद ना हो तो काम चल जाता है, चांदी का जेवर मौजूद ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हया का जेवर ना हो औरत के पास रहता ही कुछ नहीं। इसलिए सोना और चांदी अहम नहीं, हम औरत के लिए पर्दा हया और शर्म वाला जेवर है। अल्लाह हमारी तमाम बहनों और बेटियों को ये हया वाला जेवर अता फरमा दे। इस कॉलेज और स्कूल में पर्दे के साथ पढ़ें तो हर्ज नहीं, लेकिन मदरसे की ज़िंदगी को ज़रा मैं ख्वातीन से कहता हूँ ज़ेहन नशीन फरमाएं। मेरे रिश्ते में कुछ भतीजियाँ लगती हैं जो FA MA और इस तरह बड़ी सतह पे तालीम हासिल करती हैं। मैं जब भी मिला मैंने उनको तरगीब दी कि बेटी मदरसा भी पढ़ो, दीन भी पढ़ो। वो मुझे कहने लगी, चाचू जान क्या स्कूल पढ़ना गुनाह है। मैंने कहा, बेटी मैंने गुनाह तो नहीं कहा, मैं तो कहता हूँ मदरसा भी साथ पढ़ो। वो कहने लगी, अच्छा क्या मुस्तकबिल हम अपना न बनाएं। मैंने कहा, बेटी मदरसे से मुस्तकबिल तो मज़ीद अच्छा बनता है। मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए उनको कहने लगा, ये देखें आपने MA या BA किया, 16 या 14 साल लगाए, मुस्तकबिल कितना है। कहने लगी, 60 या 70 साल की ज़िंदगी। मैंने कहा, मदरसे में 4 या 6 साल लगाए, इससे मुस्तकबिल ये 60-70 वाला ज़िंदगी का भी बनेगा, कब्र का भी बनेगा और हशर के बाद गैर महदूद ज़िंदगी का भी बनेगा। तो बात तो समझने की है, इसलिए हम कहते हैं ये काम करें ज़रूरत के दर्जे में, और वो काम भी करें वो हमारी ऐसी ज़रूरत है कि जिससे कोई चारा कार नहीं। खैर मैं बात समझाइए रहा था, अल्लाह ने कसम उठाई है ज़माने की, ज़माने की कीमत की वजह से हमें कसम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की नहीं उठानी चाहिए। खाले की कसम उठाएँ,
लेकिन मखलूक की कसम हरगिज ना उठाएं, मखलूक की कसम ना उठाएं, खाले की कसम उठाएं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसमून बयान फरमाया, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, अगर इंसान कामयाबी चाहता है, नंबर एक अपना अकीदा ठीक करे, अकीदे पर मेहनत नबी पहले करते हैं, अमल पे मेहनत नबी बाद में करते हैं, पहले नबी ने मेहनत अकीदे पर फरमाई है, अकीदा ठीक करे, अकीदा अल्लाह की जात के बारे में, अकीदा अंबिया के बारे में, अकीदा मलाइक फरिश्तों के बारे में, अकीदा आसमानी किताबों के बारे में, इसी तरह अकीदा क़यामत के बारे में, अकीदा तकदीर के बारे में, जिसे आपको बचपन में पढ़ा दिया जाता है। ईमान की एक सिफ़ते मुजमल है, एक सिफ़ते मुफसल है। आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बादल मौत, ये ईमान की वो सिफ़त है जिसको समझना ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात के बारे में अपना अकीदा बना ले, अल्लाह एक है, खुदा की ज़ात के बारे में अकीदा बनाए, अल्लाह हर जगह मौजूद हाजिर नाजर है, खुदा के बारे में अकीदा बनाए, अल्लाह की ज़ात की में, अल्लाह की सिफतों में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह अपनी ज़ात व सिफात में वहदहु ला शरीक है, हम अल्लाह को ज़ात में भी यकता मानते हैं, अल्लाह को सिफात में भी यकता मानते हैं, आलिमुल गैब ज़ात अल्लाह की है, हाजिर और नाजिर ज़ात अल्लाह की है, कादिर मुतलक की ज़ात अल्लाह की है, मुख्तार कुल की ज़ात अल्लाह की है, औलाद को देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मौत व हयात देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब सब कुछ अल्लाह का है तो फिर ये नज़रिया बनाएं, नज़र भी अल्लाह के नाम की, न्याज भी अल्लाह के नाम की। बाज़ लोग कभी जहालत की वजह से कह देते हैं नज़र अल्लाह और न्याज हुसैन, ये अकीदा कभी न बनाना। और अगर ये जुमले कह के तुम्हारे दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आए उसको कभी भीख न देना, इसलिए उसने भीख आपसे ली है, अकीदा आपका बर्बाद किया है। हमारा अकीदा ये है, नज़र भी अल्लाह के नाम की, न्याज भी अल्लाह के नाम की, मन्नत भी अल्लाह के नाम की, सदका भी अल्लाह के नाम का। जब सब कुछ अल्लाह ने दिया है तो हमें भी अल्लाह के नाम पे देना चाहिए, और अल्लाह के नाम पे देना ये खसारे का सौदा नहीं, ये घाटे का सौदा नहीं, बड़े नफ़े का सौदा है। इससे बड़ा नफ़ा क्या होगा कि दौलत दी भी खुदा ने है, अगर खुदा की दी हुई दौलत में से एक रुपया उसके राह में खर्च कर दे उस पर 10 या 70 गुना अल्लाह बढ़ा के अता फरमा देते हैं, फिर दुनिया में भी इजाफे फरमा देते हैं। खुद कुरान करीम में है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद अल्लाह मिटा देते हैं और अल्लाह करीम सदक़े को बढ़ा देते हैं। सदक़े का अहतमाम करना बड़ा ज़रूरी है। फरमाए आमनो, नंबर एक अकीदा ठीक होना चाहिए अल्लाह के नबियों के बारे में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सारे अंबिया बरहक हैं, अंबिया के मोजज़ात भी बरहक हैं, इसको मानना चाहिए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक मलाइका से अफसर हैं, लेकिन ज़ात के एतबार से बशरो इंसान हैं, है इंसान लेकिन अफजलुल मलाइका है। ये अकीदा बनाना ज़रूरी है। हम अंबिया को भी मानते हैं, अंबिया के मोजज़ात को भी मानते हैं, तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिक बैन अहदिम मिन रुसुली, एक पर ईमान ला के दूसरे पर ईमान न लाए, ये गुनाह कभी नहीं करते। लेकिन ये नजरिया भी बनाए कि बाकी अंबिया तो दुनिया से चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम पर वफात नहीं आई, वो जिंदा आसमान पर गए हैं और दोबारा आसमान से क़यामत से पहले नाजिल होंगे। आज बाज़ लोगों ने, खसूसन मिर्ज़ाइयों ने, यह अकीदा फैलाया ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं। हमारा अकीदा कि जिंदा है, खुदा ने जिंदा आसमान पर उठाया है और क़यामत से पहले अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया पे उतारेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं, उम्मत की हैसियत से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम करेंगे, खिलाफत के निज़ाम को संभालेंगे, ईसाइत यहूदियत से जिहाद करेंगे। और जब सब लोग दुनिया वाले ईमान ले आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे, बाकी अंबिया के बारे में ये, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा ये रखे, आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने बग़ैर बाप और माँ के पैदा किया है, अम्मा हव्वा को खुदा ने बग़ैर माँ के पैदा किया है, हर आदम की पसली से निकाला, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने बग़ैर बाप के पैदा किया है, हज़रत मरियम का निकाह नहीं था, अल्लाह ने बतौर एजाज के हज़रत जिब्रील को भेजा, उन्होंने उनके गरेबान में फूंक मारी है,
उससे अम्मी मरियम अलैहि सलाम उम्मीद से हो गई, अपने बेटे ईसा अलैहि सलाम को जना है, ये इनका एजाज है, लेकिन आखिरी नबी हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जिनका अकीदा ये हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा होगा वो बिल्कुल दारा इस्लाम से खारिज जंदीक मुर्तद और काफिर है। इसलिए इस अकीदे को बनाएं, अगर कोई इस अकीदे के खिलाफ दावत दे कभी उस अकीदे को कबूल न करे। वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ज़ेहन बना ले, हजूर आखिरी नबी भी हैं, अफजलुल अंबिया भी हैं, नबी पाक सल्लम के हमसर कोई नहीं हो सकता। पूरी कायनात का इलम अल्लाह के अलावा अगर एक तरफ रख दिया जाए, हजूर का इलम सबसे आला है, पूरी कायनात के उसने जमाल एक तरफ रख दिया जाए, हमारे नबी का जमाल भी आला है, पूरी कायनात के कमाल एक तरफ रख दिया जाए, हमारे नबी कमाल में आला है, इन जैसा न आया न क़यामत की सुबह तक आ सकता है। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि दुनिया में और भी जितने आए वो हजूर के सदक़े में आए हैं। अगर हमारे नबी को खुदा ने वजूद देना न होता, अल्लाह दुनिया में किसी और शख्स को वजूद ही न देते। यह पूरी कायनात तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, ये अकीदा बनाए तो यह पूरी कायनात मेरे नबी के सदके खुदा ने पैदा की है, तो फिर यह नज़रिया भी होना चाहिए इस पैगंबर के वसीले से, इस पैगंबर के तुफैल से, इस पैगंबर की बरकत और फैज से अल्लाह से मांगना भी जायज़ है। हम इस बराए रास्त अल्लाह से मांगें कोई हर्ज नहीं, अपने नबी का वसीला देकर मांगे तब भी कोई हर्ज नहीं, नबी पाक सल्लम का वसीला देके अल्लाह से यूं मांगे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, वसीला नबी का देकर दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तेरे पैगंबर का वसीला देकर दुआ मांगती हूँ, अल्लाह हज बैतुल्लाह की तौफीक दे दे, तेरे नबी का वसीला देकर दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मेरे खताओं को माफ़ करके जन्नत मेरे लिए वाजिब करार दे दे। पैगंबर का वसीला देकर मांगना ये बिल्कुल जायज़ है और इस पर रिवायात भी मौजूद हैं। अल्लाह में इस अकीदे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आसमानी किताबों के बारे में अकीदा रखे, तौरात आसमानी किताब जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, इंजील आसमानी किताब जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, ज़बूर आसमानी किताब है जो अल्लाह ने हजरत ज़बूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए, दीगर सहीफे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए, और सबसे आखिर में कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जिस तरह हजूर आखिरी नबी है कुरान आखिरी किताब है, जिस तरह हजूर सबसे अफजल नबी है कुरान सबसे अफजल किताब है, न इसके बाद किताब आएगी न इस जैसी किताब आई है। बिल्कुल ये भी जहन में रखें, ये उम्मत भी सबसे आखिरी उम्मत है, ये सबसे अफजलुल उम्म है, हमारे नबी भी आला, हमारी किताब भी आला, ये उम्मत भी आला, हमारे नबी भी आखिरी, कुरान करीम भी आखिरी किताब, ये उम्मत भी आखिरी किताब है। हजूर के बाद नबी माने तो कुफर है, कुरान के बाद किताब माने आसमानी तो कुफर है, इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत माने तो भी कुफर है। ये अकीदा आसमानी किताबों के बारे में रखे, फिर आसमानी किताब कुरान करीम और पहली किताबों में फ़र्क ये है कि पहली किताबें महफूज नहीं हैं, उनको तहरीफ कर दी गई है, कुरान करीम महफूज है, क़यामत की सुबह तक कुरान में तारीफ नहीं हो सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, आसमानी किताब खुदा ने कुरान नाजिल की है, हिफाजत का वादा भी खुद किया है। आज देख ले दुनिया में कैसे 7-7 साल की बच्चियाँ कुरान की हाफिज बन रही है, ये कुरान करीम का मोजज़ा है, ये मामूली कमाल नहीं है, खुद मेरी अपनी बेटियां हैं, अल्लाह पाक मजीद तमाम बेटियों को कबूलियत अता फरमाए। मेरी अपनी बेटियां दोनों ने बलूग से कबल कुरान को हिफ्ज़ भी किया और कुरान करीम को याद भी किया। छोटी छोटी उम्र में कुरान को सीने में महफूज कर लेना इस कुरान का मोजज़ा है, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं मिलती इतने साइज की हो और लोग उसकी इतनी जल्दी हाफिज बने, ऐसे होता नहीं है। लेकिन कुरान करीम का मोजज़ा है कि मेरे नबी की किताब अल्लाह 7 साल की बच्ची के सीने में महफूज करवा देते हैं और इस किताब की हिफाजत भी करती है, और जो कुरान करीम की हिफाजत करेगा अल्लाह उसका क़यामत के अजाब से हिफाजत फरमाएगा। सिर्फ ये नहीं कि खुद इसकी हिफाजत होगी, इसके खानदान के 10 आदमी मुमवजबत अलैहिमुन्नार, जिनके लिए जहन्नम का फैसला होगा अल्लाह उनके लिए जन्नत का फैसला फरमा देगा। आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना है,
और आसमान के और दुनिया के सारे फरिश्तों पर भी ईमान लाना है। फरिश्तों को खुदा रब्बुल इज्जत ने नूर से पैदा किया है। फरिश्ते मासूम होते हैं, कभी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करते। इंसान की खिदमत पे मामूर है। किसी फरिश्ते के जिम्मे वही लाना जिसे जिब्राइल कहते हैं, किसी के जिम्मे रूह को कब्ज करना जिसे मलकुल मौत कहते हैं, और किसी के जिम्मे कयामत के दिन सूर को फूंकना है जिसे इज़राइल कहते हैं, और किसी के जिम्मे दूसरे इंतजाम खुदा ने लगाए। इनमें चार ये बड़े फरिश्ते हैं और बाकी इनसे छोटे फरिश्ते हैं, और सबसे आला फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ये चारों फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत ये बड़े इन फरिश्तों में सरदार है। हम सारे फरिश्तों को मानते हैं। फरिश्तों को खुदा ने नूर से पैदा किया, बिल्कुल इसी तरह हम कयामत को भी मानते हैं। लेकिन कयामत की दो किस्में हैं, एक कयामत सुगरा है, एक कयामत कुबरा है। कयामत सुगरा छोटी कयामत, कयामत कुबरा बड़ी कयामत। कयामत सुगरा मौत से लेकर हशर तक कब्र की जिंदगी है, और कयामत कुबरा मौत हशर के बाद की जिंदगी है। कयामत सुगरा का माना इधर अहवाल रूप पे आते हैं और जिस्म महसूस करता है। कयामत कुबरा का माना उधर अहवाल रूप और जिस्म दोनों महसूस करते हैं। हम दोनों को मानते हैं। अगर बंदा ईमान वाला हो इसको कब्र में राहत मिले, हम ये भी मानते हैं। अगर बंदा कुफर वाला हो इसको कब्र में सजा अजाब मिले, हम इसे भी मानते हैं। और कब्र वही है जो ये जमीन वाली कब्र है जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है। अगर ईमान वाला हो अल्लाह कब्र को तहद्दे निगाह खोल देते हैं, अगर कुफर वाला हो इसकी कब्र को तंग कर देते हैं, जैसे पसली पसली में चली जाती है यूं कब्र तंग होती है। मेरी माँ बहनों और बेटियों, इस अकीदे को समझो। अगरचे इस कब्र को हमें नजर नहीं आता खुल गई है, अगरचे हमें नजर नहीं आता तंग है, लेकिन हम फिर भी मानते हैं। क्योंकि ईमान बिल गैब का नाम ये नहीं, आदमी देखे तो माने, आदमी समझे तो माने। ईमान का माना ये है अल्लाह के नबी फरमा दे और मान ले। नबी के फरमान को मानने का नाम ईमान है, देखकर मानने का नाम ईमान नहीं है। वरना तो फिरौन ने भी जब अजाब देखा तो मान लिया था। कुरान कहते आल आन वक़द असीत कबल वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, बेईमान तो पहले तो मानता नहीं था, अब तूने देखकर माना तो क्या माना है। मोमिन का ईमान ये है वो बगैर देखे और बगैर समझे मानता है। सिर्फ एक दलील के तौर पर बात कहता हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए हैं, मेराज से वापस आए तो अबू जाल ने नहीं माना। मेराज से वापस आए नबी के जाने और आने को सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने मान लिया। अबू जाल से पूछा क्यों नहीं मानता, वो कहते हैं मेरी अकल में नहीं आता। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा आप क्यों मानते हैं, फरमाया नबी ने फरमा दिया। तो सिद्दीक अकबर अकल में नहीं आता क्यों मानते हो, मैं बिल्कुल रवायत बिल माना कर रहा हूँ भाई, आप इसलिए मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। कलमा अकल का नाम ने तो नबी का पढ़ा है। मेरी माँ और बहनों बेटियों, ये जुमला एक दिल पे नोट फरमा लो। जो आदमी अकल की वजह से नबी को छोड़ देता है अबू जाल का बेटा है, और जो अकल नबी की वजह से अकल कुर्बान कर दे वो सिद्दीक का बेटा है रज़ियल्लाहु अन्हु। हम अबू बकर सिद्दीक के बेटे और बेटियां हैं। हमारा अबू जाल से क्या ताल्लुक है, न नजर आए तब भी माने, नजर आए और तब भी माने। फिर हम हशर को मानते हैं। हशर में मीजान होगा, तराजू होगा, अमाल को तोला जाएगा, हम इसे भी मानते हैं। आदमी नेक अमाल से जन्नत में जाएगा, इसे भी मानते हैं। लेकिन अगर अमाल में कमजोरी है तो किसी हाफिज कुरान की या कुरान हिफ्ज करने वाली बच्ची की वजह से ये जन्नत में दस जाएंगे, हम इसे भी मानते हैं। अगर खानदान में शहीद है 70 उसकी वजह से जन्नत में जाएंगे, हम इसे भी मानते हैं। अगर कोई आलिम है जिनसे आपका सही अकीदत का ताल्लुक है तो उस आलिम की सफारे से भी जन्नत में जाएंगे। और अगर और कुछ भी ना हो, नबालिग औलाद फौत हुई भी अपने वालिदैन को जन्नत में लेकर जाएगी। अगर ये भी ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी की दो नबालिग औलादें फौत हो गई, वालिदैन को जन्नत में लेकर जाएंगे। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर किसी की एक नबालिग औलाद बेटी या बेटा फौत हुआ, हजूर ने फरमाया वो एक भी जन्नत में लेकर जाएगा। अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह मल्लम यकुल्ला हो, जिसका एक भी न हो उसका क्या बनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना फरतुल्लाह, आयशा जिसका क़यामत को कोई भी नहीं होगा उसका मैं मोहम्मद सफारशी बनूंगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारश करेंगे और अपनी उम्मत को जन्नत में लेकर चले जाएंगे। मैंने कहा सारी बातें ईमान का हिस्सा है,
والقدر خیره و شره, تقدیر کو بھی مانے, تقدیر کا فیصلہ اچھا ہو تو بھی مانے, اچھا نہ ہو تو بھی مانے. تقدیر اچھی اور بری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سارے فیصلے عدل والے اچھے ہیں, لیکن کوئی ہمارے مزاج کو لگتا ہے, کوئی مزاج کو نہیں لگتا. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں, مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر کسی لڑکے نے کسی کو قتل کر دیا, اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا, جج نے قاتل کو سزائے موت دے دی, تو یہ جج کا فیصلہ عدل کے مطابق ہے. لیکن کوئی بندہ بھی اس مقتول کے گھر جا کے, یہ جس کو سزائے موت ملی ہے, اس کے گھر جا کے والدین کو مبارک نہیں دیتا, یہ تمہیں مبارک ہو, جج نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا. حالانکہ ہے تو عدل کے مطابق, لیکن یہ عدل وہ ہے جو والدین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے وہ فیصلے جو مزاج کو اچھے لگے, انہیں خیر تقدیر خیر کہتے ہیں, اور جو فیصلے مزاج کو اچھے نہ لگے اسے تقدیر شر کہتے ہیں. ہمارا نظریہ ہونا چاہیے, اللہ کا فیصلہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو تو بھی مانے, مزاج کے مطابق نہ ہو تو بھی مانے. کبھی بچہ نہیں آتا, لوگ پریشان ہیں, ہم کہتے ہیں ابھی شادی ہو گئی, 20 سال گزر گئے, اولاد نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس پہ راضی رہو. اور کسی کے اللہ خوب اولاد دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اس پہ بھی راضی رہو. کبھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تو بچپن میں فوت ہوگی, پریشان نہ ہو, اس پہ بھی راضی رہنا چاہیے. کبھی جوانی میں خدا لے لیتے ہیں, اس پر بھی راضی رہنا چاہیے. اپنا مزاج بنا لیں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا, اس کا نام امنو ہے. اللہ فرمائے قسم اٹھا کے, کامیاب وہ ہوگا کہ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو. میں نے عقیدے پر تھوڑی سی بات کی ہے. نمبر 2, آگے چلے, عمل الصالحات, عمل سنت کے مطابق کرے. مردوں نے بھی سنت کے مطابق کرنا ہے, عورتوں نے بھی سنت کے مطابق کرنا ہے, لیکن مردوں کے لیے طریقے الگ ہوتے ہیں, عورت کے لیے الگ ہوتے ہیں. جو دونوں حکم ایک جیسا ہو وہ ایک جیسا ہے, اور دونوں میں ایک جیسا نہ ہو اس فرق کو ماننا چاہیے. مثلا حج اور عمرے پہ جائیں, عورت کے حج کے طریقے میں اور مرد کے حج کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ مرد احرام کی چادریں پہنے گا, عورت سلا ہوا لباس پہنے گی. مرد اپنے سر کو ننگا کرے گا, عورت سر کو ڈھانپ کے رکھے گی. مرد پہلے 3 طوافوں میں اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے رمل اکڑ کے چلے گا, عورت ایسا نہیں کر سکتی. جب سعی بین الصفا والمروہ کریں گے تو سعی کے درمیان مرد ان چکروں میں دوڑے گا, لیکن عورت دوڑ کر وہاں سے نہیں چلے گی. میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے خصوصاً یہ بات کہتا ہوں, ذرا اس نقطے پہ غور کرنا, یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے جہاں دوڑتے ہیں, آج وہاں سبز بتیاں لگی ہیں جسے میلین اخضرین کہتے ہیں, سبز رنگ کی بتیاں نشان موجود ہیں, ان میں دوڑنا ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ دوڑنا سنت کس کی ہے؟ یہ کسی مرد کی سنت نہیں, یہ دوڑنا حضرت امی ہاجرہ کی سنت ہے. امی ہاجرہ کی سنت, جو اسماعیل علیہ السلام کعبے کے پاس تھے, پانی نہیں مل رہا تھا, حضرت ہاجرہ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا پانی نہ ملنے کی وجہ سے. وہ صفا پہاڑ پہ چڑھی کہ چلو دیکھو کوئی لشکر کوئی قافلہ آ رہا ہو, ان سے میں پانی لے لوں, لیکن دیکھا تو کوئی بھی نہیں. وہاں سے مروہ کی طرف چلی ہے, اور جہاں تک نکلے ڈلان پہ جاتی کعبہ اسماعیل نظر آ رہے تھے, آہستہ آہستہ چلنے لگی. جب اتنی نیچے چلے گی اسماعیل اسلام نظر نہیں آئے, امی ہاجرہ دوڑ کے آگے چلی, اور وہاں پہنچی جہاں سے بیٹا نظر آتا تو دوڑنا ختم کر دیا. یہ 7 چکر جو لگائے, جو درمیان میں چھوٹی جگہ ہے جہاں سے وہ دوڑ کے گئی ہے, تب اوپر پہاڑی سے آئی تھی اور بیٹا نظر آ رہا ہے. ایک جگہ پہ پہنچی بیٹا نظر نہیں آتا, تو وہاں سے تھوڑی سی ڈھلان میں نیچے گئی, اور جو ہی بیٹا نظر آنا وہ بلندی پہ, اس وقت پھر آہستہ آہستہ چل کے جانے لگی. یہ 7 چکر لگائے. اب نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ دوڑنا امی ہاجرہ کی سنت, لیکن وہاں پہ عورت نہیں دوڑتی, مرد دوڑتا ہے. اگر عورت دوڑے گی تو گناہ ہوگا, مرد دوڑے گا تو ثواب ہوگا. وجہ کیا ہے؟ امی ہاجرہ دوڑی تو اکیلی تھی, آج جب بھی عورت جائے گی حج عمرے کا رش ہوگا. اگر وہاں پہ عورت دوڑی, عورت کے دوڑنے سے وجود حرکت کرتا ہے, جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے. میرا اللہ پسند نہیں فرماتا عورت کے وجود کی ساخت نظر آئے, تو سنت عورت کی ہے, زندہ مرد کرتے ہیں. اب اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کس قدر ظلم کی بات ہے. آج وہ ہماری بچیاں جو ہاکی کھیلتی ہیں اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے,
आज वो फुटबॉल की गेम खेले या टेबल टेनिस खेले और टीवी पर आके दुनिया को देखे, ये किस कदर गलत बात है। कभी मैराथन रेस के नाम पे इनको जमा करें तो ये जुल्म है। मैंने दलील के तौर पे बात की है, सुन्नत औरत हाजरा की है, जिंदा मर्द करता है, अल्लाह नहीं चाहते उस पाक मकाम पर भी जाके औरत बेपर्दा हो। हद के ऊपर ये है, औरत हुक्म दिया कि तुम चादरों की बजाय मुकम्मल सिला हुआ लिबास पहनो क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, चादर संभालनी मुश्किल है, औरत के सतर का मसला है। खुदा ने वहां भी औरत के पर्दे का ख्याल फरमाया है, हरम में जाकर भी पर्दे का ख्याल करो। आप खुद बताएं किस कदर और तो इत्तमाम करना चाहिए। मैं बता ये रहा था, नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें, अगर जेवत मौजूद हो जकात की अदायगी करें। हमारी बहुत सारी बहनें और बेटियां उनके पास जेवत मौजूद होता है, निकाह पर जमा फरमा लेती हैं लेकिन बाद में जकात नहीं देती। जो औरत के पास जेवर है, जिसकी मालिक औरत है, उसके जकात देना औरत के जिम्मे है, उसकी जकात मर्द के जिम्मे नहीं है। अगर वो दे तो खामिद और बीवी का आपस का मामला है, दे भी सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी इसकी है। इसलिए इतना जेवर रखो, अगर उस पर जकात आए तो महाना सालाना जकात का ख्याल जरूर किया करे। अगली बात मैं कह रहा था कि मर्द औरत की नमाज में कुछ फर्क है, उसके अहतमाम फरमाए। औरत अजान नहीं देती, मर्द देता है। औरत तकबीर नहीं कहती, मर्द कहता है। औरत इमामत नहीं करती, मर्द करता है। मर्दों की सुबह में औरत नहीं आती, इसलिए कि मर्द का मामला अलग है। मर्द चल अगर सर नंगा करे नमाज होगी लेकिन खिलाफ सुन्नत, तो औरत सर नंगा करे नमाज होगी नहीं। अगर मर्द सलवार टखनों से नमाज नहीं होगी, औरत सलवार टखनों से ऊपर करे औरत की नमाज नहीं होगी। तो मर्द औरत की नमाज में कुछ फर्क है। जब मर्द हाथ बांधे तो नाफ के नीचे बांधे, औरत हाथ बांधे तो सीने पर बांधे। अगर मर्द अल्लाह अकबर के अपने हाथों को कानों तक उठाए और चादर से निकाल ले, अगर औरत हो तो चादर के अंदर ही रखे, मर्द रुकू में जाए, इतना झुक जाए कि बिल्कुल उसकी कमर बराबर हो, औरत सिर्फ इतना झुके कि उसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंच जाए। जब मर्द सजदे में जाए तो बिल्कुल अपने हाथों को खुला रखे, अपने जिस्म को खुला रखे, औरत सजदे में जाए अपने सिपेट को राम के साथ और जमीन के साथ मिलाकर सजदा करे। अगर आदमी तहियात में बैठे, बाएं पांव को बिछा ले और दाएं पांव को खड़ा रखे, औरत सजदे में बैठे तो दोनों पांव दाएं तरफ निकाल के बिछा ले, इसके ऊपर बैठ जाए। मर्द और औरत की नमाज में फर्क है, इन दोनों को फर्क का भी ख्याल करना चाहिए। फरमाया वतवासो बिलहक, फिर दावत भी दे। मर्दों को भी ख्याल करना चाहिए, औरत को भी ख्याल करे, लेकिन मर्द और औरत के दावत का मैदान अलग है। मर्द बाहर मर्दों में काम करे, औरत घर औरतों में काम करे। औरत की सबसे पहली दावत अपना बेटा है, औरत की दावत का मैदान अपना भाई है, औरत की दावत का मैदान शोहर है, औरत की दावत का मैदान खामिद है। अपने घर में काम करें, औरत की जिम्मेदारी में शामिल है। खुद भी नमाज पढ़े, औलाद को नमाज पे लगाए, खुद भी नमाज पढ़े। अगर शोहर नमाज नहीं पढ़ता, बड़ी हिकमत और मोहब्बत के साथ नमाज पे लगाए, यूं ना लगाए कि दोनों में जुदाई हो जाए। ऐसी दावत न दे कि वो समझे खुद को बड़ी पारसा और नेक समझती है और मेरा ख्याल नहीं करती, यूं ना करे। बल्कि मोहब्बत के साथ बात करे, खुद नमाज पढ़े उसको नमाज पे लाए, खुद सदका दे उसको सदके पे लाए। और औरत का सबसे बड़ा काम यह है, अपनी औलाद की तरबियत करे, क्योंकि दुनिया में तीन मदरसे हैं, एक मदरसा माँ की गोद है, एक मदरसा जहाँ बच्चा पढ़ता है और एक मदरसा शेख की खानकाह है। औरत तो खानकाहों में जाने का मौका कम मिलता है लेकिन औरत सबसे बड़ी दरसगाह अपनी औलाद के लिए है। जिस बच्चे की दरसगाह माँ की गोद बने और जिसकी तरबियत माँ की गोद से हो, वो बेटा हसन बसरी बनता है। अगर माँ की गोद से तरबियत हो तो राबिया बसरी बनती है। अगर माँ की गोद की तरबियत अच्छी हो तो फिर बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, अली हजवेरी बनता है, सुल्तान बहू बनता है। ये बड़े बड़े मशायख पैदा होते हैं जब माँ की तरबियत होती है। इसलिए औलाद की तरबियत करना ये माँ बाप के जिम्मे है। अल्लाह में इस बात का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात को समेट कर कह रहा हूँ, तरबियत में से पहली बात कि जब भी शादियां करें तो माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी का रिश्ता अच्छा तलाश करें ताकि उसके लिए बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा हो। नंबर दो, उसका ख्याल करें, जब औलाद पैदा हो उसके कान में अजान दे, उसका नाम अच्छा रखें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जब बेटा चलने और बोलने के काबिल हो, पहले अल्लाह का नाम, पहले कलमा, पहले ये तालीम दे, उसके बाद बाकी तालीमात शुरू करें। हमें जाने का मौका मिलता है और बड़ा दुख होता है कि बच्चा अल्लाह तो नहीं कहता लेकिन कभी आए उससे पूछे ये क्या है, कहते आई ये क्या है, कहते जी नोजी ये क्या है, जी रैट और कैट है। हम इससे मना नहीं करते लेकिन पहले अल्लाह का नाम सिखाएं,
पैगंबर का नाम सिखाएं, इसको कलमा सिखाएं, कुरान की तालीम दे, फिर बाद में उसको दूसरी तालीम भी दे, तो सबसे बड़ा मदरसा माँ की गोद है। औरत को चाहिए तवासो बिल हक इसका ख्याल करे, और ये तरबियत करने में अगर थोड़ी बहुत मुश्किल हो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करे और दिल बड़ा रखे, दिल छोटा ना करे। आखिरी बात बतवासो बिस सब्र, इन सारे कामों में अल्लाह से आफियत की दुआ मांगे, और अगर कभी कोई मुश्किल पेश आए खुदा से दुआ भी मांगे और सब्र का मुजाहरा भी करे। मर्दों को भी चाहिए, खवातीन को भी चाहिए। तो मैंने चार बातें आपकी खिदमत में बड़े इख्तसार से पेश की है। नंबर एक, अकीदा ठीक रखें। नंबर दो, आमाल सुन्नत के मुताबिक करें। नंबर तीन, सही अकीदा मसरून अमल की दावत दें। और नंबर चार, अगर इन कामों पे कुछ मुश्किल पेश आ जाए खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें। अल्लाह मुझे भी दीन की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी दीन पढ़ने की, दीन समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सब दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद दुआ करते हैं। मैंने, मेरा उजर यह है कि पहले उन्होंने बता दिया, मैंने चूंकि आगे सफ़र करना है, वक़्त कम होने की वजह से मैंने मुख्तसर बात की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कभी इस इलाके में आने की तौफीक अता फरमाई। मैं इंशाल्लाह फिर इस पे बात करूंगा। अल्लाह हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में दीन कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई खलील की हमशीरा है, इनने मदरसा शुरू किया है, दीनी काम में लगी हैं। ये चूँकि मेरी अहलिया की क्लास फैलो हैं, इस रिश्ते का ख्याल करते हुए मैंने वक्त कम होने के बावजूद इनकी खिदमत में हाजिरी दी है। अल्लाह की सारी मेहनत कबूल फरमाए। हमारे इस इदारे के बरस जो सदर मुअल्लिम हैं, वाकईतन भाई खलील फरमा रहे थे, इनने शफकत की है, अल्लाह इनकी शफकतों को कबूल फरमाए। इदारा अपना दीनी काम के लिए पेश किया है, इसकी अल्लाह इनको शान निशान अजर अता फरमाए। हमारे सुदूर और हमारे बड़े अजय मर्द या ख्वातीन इसी तरह शफकत जारी रखें, तो छोटों के लिए दीन का काम करना बहुत आसान होता है। अल्लाह कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें फिर दुआ करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व असहाबी अजमईन। ए मौला करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मौला करीम, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। ए मौला करीम, जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। ए मौला करीम, जितने बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दे। ए मौला करीम, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ए मेरे मौला करीम, ये दीनी बरकत है, तेरे पैगंबर के नाम तेरे नाम पर जमा है। अल्लाह, जितनी हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ आई हैं, इन तमाम का आना कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरी बंदियाँ हैं, अगर तू इनके हाथों को खाली करेगा अल्लाह ये किस पे दर्द पे जाकर भीख मांगेंगी। अल्लाह इनके खाली, इनके हाथों को खाली ना लुटाना, इनकी झोलियाँ भी भर दे, इनके हाथों को भर दे, इनकी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के भेद जानने वाला है। बहुत सारी दुआएं बंदा जबान पे नहीं ला सकता, लेकिन तू जानता है। अल्लाह की सारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे मौला करीम, जितनी बच्चियां घरों में मौजूद हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते, अल्लाह को मुनासिब रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह उनको उनके घरों में आबाद फरमा दे। जिनके रिश्ते हो चुके हैं उनके घरों को शाद फरमा दे, उनको खुशियाँ अता फरमा दे। अगर औलाद नहीं, अल्लाह तो नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेक बना दे, आंखों की ठंडक बना दे। ऐ मौला करीम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब का जमा होना कबूल फरमा ले। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह तुम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको दीनी मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तो जो कुछ बयान किया और सुना इसमें गलतियों को माफ़ फरमा दे, ठीक बातों को कबूल करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, मैं फिर आपसे दुआ मांगता हूँ। अल्लाह, मैं मुसाफिर हूँ, तेरे पैगंबर का वादा है तो मुसाफिर की दुआओं को कबूल करता है। मौला, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ जो यहाँ पर हमें सुनने के लिए आई हैं, इनका आना कबूल फरमा ले। इनकी ज़िंदगी दीन के लिए कबूल फरमा ले। इनको दुनिया आखिरत की खुशियाँ अता फरमा दे। अल्लाह, कितनी हमारी बहनें बेटियाँ और माएँ होंगी जो दुआएं कराना चाहती हैं लेकिन नहीं कह सकी, उनको इत्तला नहीं थी या उनको तरीका मालूम नहीं था दुआओं के लिए कैसे कहते हैं। अल्लाह अपने फजल करम से इनकी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह अपने फजल करम से दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह अपने फजल करम से दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ मेरे मौला करीम, हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा दे। अल्लाह ज़ाहिरी और बातनी खुशियाँ अता फरमा दे। ऐ मौला करीम, क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सबको शिफात अता फरमा दे। अल्लाह, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह, मांगने का सलीका नहीं आता तो करीम मौला है, करीम वही होता है जो नालायकों को अता करे। अल्लाह, हम नालायक हमें अता फरमा। हम जन्नत के मुस्तहिक नहीं लेकिन जहन्नम का अज़ाब सह नहीं सकते, जहन्नम से बचा के जन्नत अता फरमा।
हमारे वालिदैन या जो अजीज व अकारिब रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मगफरत फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, उनकी कबूर को मुनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हम सब का जमा होना अपने फजल करम से कबूल फरमा ले। आज तेरे दीन के लिए जमा है, अल्लाह तो कल जन्नत में जगह अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।